हिंदू मैरिज इज सैक्रमेंटल और कॉन्ट्रैक्चुअल? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, नो मैटर वो आपके लॉ का नॉर्मल एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो। अगर हम ये बात करते हैं कि हिंदू मैरिज 7 जन्मों का रिश्ता है, जैसे कि हमारे वेदों में कहा गया है, और ये बंधन कभी नहीं टूटता, मरने के बाद भी जिंदा रहता है, तो हम कहते हैं कि ये सैक्रमेंट है। लेकिन 1955 के बाद जब हमने डिवोर्स के बारे में बात करी, तो मतलब कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। अब बात आती है कई चीज़ों की। हम एक तरफ बात करते हैं वैलिड मैरिज की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं वॉइड मैरिज की, तीसरी तरफ हम बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की, एनलमेंट ऑफ मैरिज, नलमेंट ऑफ मैरिज। दैट मीन्स दीज आर द टाइप्स ऑफ मैरिज। वैलिड मैरिज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बात ये आती है कि जब ये सैक्रमेंट है तो वॉट इज़ वॉइड मैरिज एंड वॉट इज़ वॉइडेबल मैरिज। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया सिपाहा और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, एनलमेंट ऑफ मैरिज एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक डिफरेंस बता दूं कि वॉइड मैरिज या एनलमेंट ऑफ मैरिज जिसे हम कहते हैं, मतलब कि शादी को हम शून्य समझ रहे हैं, इसमें और डिवोर्स में अंतर होता है। प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज़ डिवोर्स विद वॉइड मैरिज। देखिए, डिवोर्स का मतलब होता है शादी होने के बाद शादी को ख़त्म कर देना, मतलब जब तक वो शादी थी तब तक वो वैलिड थी, दैट वॉज़ अ वैलिड मैरिज। और जब वैलिड मैरिज होती है तभी डिवोर्स होता है। लेकिन अगर हम वॉइड मैरिज की बात करते हैं या अनलमेंट ऑफ मैरिज की बात करते हैं, नलिटी ऑफ मैरिज की बात करते हैं, मतलब शादी हुई ही नहीं है, उसे हम वैलिड मैरिज नहीं कहते हैं, उस तरह की शादी हमारे यहाँ एज़ पर लॉ मान्य नहीं है, तो जब वो वैलिड शादी ही नहीं है तो डिवोर्स कैसे हुआ? अब बात आती है कि वॉइड मैरिज क्या है। देखिए, हमने वैलिड मैरिज में पढ़ा था दैट अंडर सेक्शन 5 देयर आर 5 क्लॉजेस एंड ऑल 5 क्लॉजेस आर इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर एनीथिंग एज अ वैलिड मैरिज। नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉइड मैरिज। बेसिकली जो भी आपके 5 क्लॉजेस दिए गए हैं सेक्शन 5 में, उसमें से अगर 3 क्लॉजेस का कॉन्ट्रवेंशन हो जाता है, मतलब इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट ऑफ दीज 3 क्लॉजेस, देन दैट मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड मैरिज। जिसमें पहली चीज़ है दैट इज़ क्लॉज 1, मोनोगैमी। मोनोगैमी इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हिंदू मैरिज, यानी कि कोई भी आदमी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है। अगर किसी भी इंसान ने एक से ज़्यादा शादी करी है, चाहे वो बायगैमी हो मतलब दूसरी शादी, या पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री मोर देन 2 मैरिजेस, अगर ऐसा करा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड, द सेकेंड मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 55 में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें जो सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज़ रिलेटेड टू क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 5, कि देयर आर सर्टेन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जो भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, अगर उसमें आपने शादी करी है तो दैट विल बी अमाउंट एज वॉइड मैरिज। अब ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। बेसिकली अगर हम इसको शॉर्ट में बात करते हैं कि कोई भी एकदम क्लोज रिलेटिव में या ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकता। क्लोज़ रिलेटिव में सारी चीज़ें आती हैं, भाई बहन शादी नहीं कर सकते, सगे भाई बहन शादी नहीं कर सकते, चचेरे भाई बहन शादी नहीं कर सकते हैं, और मौसेरे भाई बहन भी शादी नहीं कर सकते। ये क्लोज रिलेशन मतलब मैटरनल साइड एंड पैटरनल साइड दोनों में शादी नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर वो एडॉप्शन से भी भाई है या बहन है तो भी शादी नहीं कर सकते, हाफ ब्लड है तो भी शादी नहीं कर सकते। सिमिलरली फादर और डॉटर में शादी नहीं हो सकती है, मदर और सन में शादी नहीं हो सकती है, भाभी में शादी नहीं हो सकती, बहू से शादी नहीं हो सकती है, और दामाद से शादी नहीं हो सकती है, मैटरनल और पैटरनल दोनों साइड। प्रोहिबिशन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में एक और चीज़ है कि हम ममेरे भाई बहन के साथ भी शादी नहीं कर सकते, अंकल और नीस शादी नहीं कर सकते हैं, बुआ और भतीजा शादी नहीं कर सकते हैं, मामा भांजी शादी नहीं कर सकते हैं, इस तरह की शादी भी नहीं हो सकती है।
लेकिन कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मामा और भांजी की शादी को अप्रूव किया गया है, उसे हम वैलिड मैरिज मानते हैं इंडिया में। सिमिलरली कुछ एक ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर मौसेरे भाई बहन की शादी होती है, तो वो शादी एज़ पर कस्टम अगर है तो हम उसे वैलिड मैरिज कहते हैं कहेंगे, अदरवाइज इट विल बी अमाउंट एज अ वॉइड मैरिज। अब इसके बाद आता है फिफ्थ क्लॉज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज़ सपिंडा रिलेशनशिप। पहले बहुत सारी चीज़ें थी, अब समय के साथ उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब ये कहा गया है कि दैट द थर्ड जनरेशन, थ्री जनरेशन फ्रॉम द मैटरनल साइड एंड फाइव जनरेशन फ्रॉम द पैटर्नल साइड, मतलब पिता की तरफ से 5 जनरेशन और माता की तरफ से 3 जनरेशन, इसमें शादी नहीं हो सकती है क्लोज रिलेटिव में, अगर क्योंकि उन्हें सपिंड कहा जाता है, तो इसलिए वो शादी अगर कोई करता है तो दैट विल बी अमाउंट एज अ वॉइड मैरिज। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंस वॉइडेबल मैरिज। नाउ वॉइडेबल मैरिज इज़ समथिंग विच इज़ वैलिड अनटिल कोई जो दूसरा पर्सन है या दूसरी पार्टी है, ही और शी इज़ नॉट हैविंग प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर मैरिज। मतलब अगर हम चाहते हैं तो कोर्ट से हम उसको एज अ नल एंड वॉइड मैरिज डिक्लेयर करवा सकते हैं, और दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स ऑल्सो। नाउ व्हाट आर दीज पॉइंट्स विच हैज़ बीन मेंशन अंडर सेक्शन 12? बेसिकली अगेन सम ऑफ द पॉइंट ऑफ सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट विच इज़ वैलिड मैरिज, वो अगर नहीं फुलफिल होते हैं तो दैट विल बी अमाउंट एज अ वॉइडेबल मैरिज। जिसमें हमने बात करी थी सेक्शन 5 में क्लॉज 2 की, दैट इज़ रिलेटेड टू मेंटल कैपेसिटी। अब मेंटल कैपेसिटी में भी हमने दो तरह की बातें की थी। एक बात हमने करी थी इम्पोटेंसी की, मतलब कि कोई भी पर्सन जो रहता है ही और शी इज़ नॉट फिट टू गिव बर्थ टू एनी चाइल्ड। कोर्ट में ये बात आती है कि दैट द पर्सन द अनदर पार्टी इज़ नॉट एबल फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर ये बात आती है तो एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, ये चीज़ प्रूफ करना कोर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ इनक्योरेबल, उसका कोई क्योर नहीं हो सकता, तो ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर सामने वाले पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ से, तो दैट मैरिज कुड बी अ वैलिड मैरिज। हमेशा ही ये चीज़ जो है वो ग्राउंड फॉर डिवोर्स नहीं रहती है, इसीलिए हम इस चीज़ को वॉइडेबल मैरिज कहते हैं, वॉइड नहीं कहते हैं, कि अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी। अब दूसरी चीज़ जो क्लॉज 2 में ही आती है, दैट इज़ मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी में दो बातें होती है। पहली चीज़ ये होती है कि अगर लड़का या लड़की एट द टाइम ऑफ मैरिज दे आर नॉट फिट टू गिव कंसेंट ऑफ द मैरिज, मतलब वो इतने मेंटली फिट नहीं है कि वो कंसेंट दे सके। अब उनका कंसेंट नहीं देना दोनों बातों पे है, एक तो उन्हें पता ही नहीं हो कि ये मैरिज हो रही है कि क्या हो रहा है, वो शायद बच्चे हों, दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस हो सकती है। मेंटल इलनेस में दो चीज़ें बताई गई है, पहली चीज़ बताई गई है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और दूसरी चीज़ बताई गई है इंसैनिटी। इसकी वजह से अगर वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं, मतलब कि वो वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आ सकता है। नाउ थर्ड थिंग इज़ रिलेटेड टू एज ऑफ द मैरिज। एज ऑफ द मैरिज में एज पर हिंदू मैरिज एक्ट क्लॉज 3, एज ऑफ द मैरिज शुड बी 18 ईयर्स फॉर गर्ल एंड 21 ईयर्स फॉर बॉय, मतलब 18 और 21 साल ये उम्र होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर इससे कम उम्र होती है तो दैट विल बी अमाउंट एज अ वॉइडेबल मैरिज। अब देखिए वॉइडेबल मैरिज की जहाँ तक बात है, तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भले ही ये वॉइडेबल मैरिज है, मतलब क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो लड़का या लड़की जब उस एज में आ जाते हैं और उसके बाद भी वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या उनमें से कोई एक रहना चाहता है, तो वो शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ वॉइडेबल मैरिज। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट या हम IPC की बात करते हैं, तो देयर इज़ अ पनिशमेंट फॉर दिस। अगर कोई भी व्यक्ति 18 और 21 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी करते हैं तो दैट विल बी अमाउंट एज एन ऑफेंस, मतलब वो अपराध की श्रेणी में आता है और उसकी सज़ा है। इसीलिए इस जहाँ तक हो सके इस तरह की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपराध है। ऑल दो हम एज पर हिंदू मैरिज एक्ट उसे वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में डालते हैं।
अब ये वर्ड कंसेंट जो है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज फार एज वर्डेबल मैरिज इज कंसिडर्ड. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? एक तो हमने एज की बात करी कि अगर बहुत छोटे हैं बच्चे, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये शादी हो रही है, तो उनकी कंसेंट होना ना होना बराबर है. तो लेकिन इसको हम वर्डेबल कहते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने कंसेंट दी है. दूसरा, हमने मेंटल कैपेसिटी की बात कर ली, एक वो भी वजह हो सकती है. तीसरी चीज़ आती है कंसेंट से रिलेटेड, अगर कोई भी शादी फोर्स से या फ्रॉड के साथ होती है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वॉइडेबल मैरिज. फोर्स की बात है, ज़बरदस्ती किसी की शादी करा दी जाती है. कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को उठवा लिया जाता है और उनकी शादी हो जाती है, ज़बरदस्ती करी जाती है. यहाँ तक कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लड़कों को उठाकर ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है. तो ऐसी अगर शादी होती है तो भी हम उसको वॉइडेबल मैरिज के कैटेगरी में डालते हैं. अब हम इसे वॉइडेबल क्यों कह रहे हैं जबकि हम फोर्स और फ्रॉड दोनों की बातें कर रहे हैं? तो हम वॉइडेबल इसलिए कह रहे हैं कि ये एक कंडीशन दी गई है कि अगर साल भर के अंदर आप उस फोर्स की शादी में रहना चाहते हैं, हो सकता है कि शादी तो ज़बरदस्ती हो गई हो लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से, तो फिर वो शादी वैलिड शादी अपने आप हो सकती है. लेकिन अगर उसके साल भर में अगर उनको कोई प्रॉब्लम है देन इट इज़ अ वॉइडेबल मैरिज, तो वो शादी खत्म हो सकती है एज़ पर द डिग्री ऑफ कोर्ट. तो कोर्ट से डिग्री मिल जाती है. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसलिए हम उसे वॉइडेबल कहते हैं. सिमिलरली अगर हम फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड के बहुत सारी कैटेगरीज हैं. फ्रॉड की कैटेगरी में देखिए, पहले बहुत ये चीज़ होती थी कि लड़की कोई और दिखा दी गई है और शादी किसी और लड़की से कर दी है. यही चीज़ लड़के के साथ भी होती थी कि किसी और लड़के को दिखा दिया है और शादी किसी और लड़के के साथ हो गई है. सिमिलरली बहुत सारे आजकल रिसेंट में बहुत केसेस होते हैं, आजकल मेकअप बहुत अच्छा होता है, मेकओवर कर दिया जाता है. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था जहाँ पे बहुत सुंदर मेकओवर किया गया था, जब लड़की को देखा था तब भी और जब शादी हो रही थी तब भी, और जब शादी होने के बाद जब उस लड़की ने मेकअप उतारा तो लड़के को शॉक लग गया और उसने कहा कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि मेकअप के साथ वो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी एंड विदाउट मेकअप शी वॉज हॉरेबल एज पर हिम. तो अगर इस तरह की चीज़ें भी होती है तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड. इसके अलावा फ्रॉड, जैसे मैंने कहा, गलत तरीके से बताया. दूसरी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है बहुत सारी चीज़ें. अगर हमने जॉब के बारे में गलत डिस्क्रिप्शन दिया है, हमने परिवार के बारे में गलत डिस्क्रिप्शन दिया है, हमने लड़के के कैरेक्टर के बारे में गलत डिस्क्रिप्शन दिया है. हिंदू लॉ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कास्ट को मानते हैं, कम्युनिटी को मानते हैं, लोग रिलीजन को मानते हैं. इस तरह की कोई भी चीज़ें गलत तरीके से बताई गई है. कई बार लोग ये कह देते हैं कि फॉरेन में है लड़का और वहाँ वो बहुत अच्छी जॉब करता है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे केसेस हैं, ये सब फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं, विच इज़ वॉइडेबल. मतलब इन सारी चीज़ों में अगर शादी हो जाती है तो एक पार्टी को ये अधिकार है कि वो शादी को ख़त्म कर सकता है. अब एक और चीज़ आती है कि अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ फ्रॉड ओनली, कि अगर एट द टाइम ऑफ अ मैरिज लड़की जो है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और ये बात लड़के को नहीं पता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट किसी और से है, अगर ये बात शादी के बाद पता चलती है तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट एज अ वॉइडेबल मैरिज. अगेन वाई वॉइडेबल? बिकॉज अगर उसके साथ भी लड़का रहना चाहता है इस बात के बाद भी, तो फिर देन इट इज़ अ वैलिड मैरिज, अदरवाइज इट इज़ अ वॉइडेबल मैरिज. तो एज पर वॉइड मैरिज द पार्टीज डू नॉट एक्वायर एनी स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एज सच इट डज नॉट कन्फर एनी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अपॉन द पार्टीज. दैट मीन्स कि वॉइड मैरिज में पार्टीज को स्टेटस ही नहीं मिलता है हस्बैंड और वाइफ का, और इसीलिए उनका एक दूसरे के प्रति भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है. तो इसलिए वो मैरिज शून्य करार दी जाती है या उसे वॉइड मैरिज कहते हैं, या सिंपल टर्म्स में हम उसे मैरिज ही नहीं मानते हैं. वेयर इज इफ यू टॉक अबाउट वॉइडेबल मैरिज, पार्टीज अक्वायर स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड इट कन्फर्स म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अपॉन द पार्टीज फॉर ऑल पर्पस अंटिल द डिग्री ऑफ कोर्ट एनल्स इट. मतलब कि वॉइडेबल मैरिज में दोनों पार्टी को स्टेटस मिलता है हस्बैंड और वाइफ का, और जब तक कि कोई एक पार्टी तैयार है तब उसके साथ रहने के लिए दूसरे के साथ, तो वो वैलिड मैरिज हो जाती है. और अगर दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम है और उसके बाद अगर वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं और उनको डिक्री मिल जाती है कोर्ट से अनलमेंट की, मतलब शादी ख़त्म करने की, तब तक वो उनका एक दूसरे के प्रति ऑब्लिगेशन रहता है.
अब हम बात करते हैं कि द वॉइड मैरिज इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो शुरू से ही वॉइड मैरिज है. सो नो डिक्री ऑफ कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू एनल द वॉइड मैरिज. However, if party so wishes, a void marriage is merely declared by the court as the void by the decree of annulment. मतलब चूँकि ये शुरू से ही beginning से ही void marriage है, तो इसमें हम ये जब वो शादी ही नहीं है तो फिर उसमें हम annulment की बात ही क्यों कर रहे हैं, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी चाहती है कि वॉइड मैरिज का भी एक हमको डिक्री मिल जाए एनलमेंट की, तो भी वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और उनको उसकी डिक्री मिल सकती है. लेकिन वॉइडेबल मैरिज की बात करते हैं तो वॉइडेबल मैरिज रिमेन्स परफेक्टली वैलिड अनलेस इट इज़ अवॉइडेड बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट नलिफाइड इट. देन वॉइड मैरिज Either of the parties to the marriage may marry again without getting a decree declaring the marriage void. The offense of bigamy is not attracted. Void marriage में अगर कोई चाहता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है. Void marriage वो इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि वो bigamy हो रही है, बल्कि वो prohibited degree में अगर शादी हो गई है या सपिंडा में शादी हो गई है उस condition से अगर void marriage है तो फिर वो दूसरी शादी कर सकता है और वो शादी में उसको bigamy का उसका चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वो पहली शादी तो शादी ही नहीं थी, इसलिए वो दूसरी शादी कर सकता है. On the other hand, as avoidable marriage is valid unless avoided, neither of the party can marry again without obtaining a decree of nullity of marriage or else the offense of bigamy is attracted. चूँकि avoidable marriage जो है उसे हम valid marriage कहते हैं, जब तक कि कोई एक पार्टी जो है वो नहीं उसको ख़त्म करना चाहता है, इसलिए जब तक उनको कोर्ट से decree of nullity नहीं मिलती है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता. अगर वो दूसरी शादी उसने कर ली देन बाइगेमी इज़ अट्रैक्टेड, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑफेंस. अब वॉइड मैरिज जो होती है जिसमें अ वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एज शी एक्वायर्स नो स्टेटस ऑफ वाइफ. जब डिवोर्स की बात आती है तो उसमें हम मेंटेनेंस की बात भी करते हैं, और जब मेंटेनेंस की बात करते हैं तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो होता है उसमें मेंटेनेंस मिलती है. लेकिन वॉइड मैरिज में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो शादी ही नहीं है, इसलिए उसमें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. वेयर इज इन वॉइडेबल मैरिज वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंटिल द मैरिज इज अनल्ड बाय द डिक्री ऑफ डिक्लेरेशन. यहाँ पे वॉइडेबल मैरिज जो है उसमें हम बिल्कुल मेंटेनेंस मांग सकते हैं क्योंकि वो एक वॉइडेबल मैरिज है. नाउ वॉइड मैरिज नीदर ऑफ द पार्टीज अक्वायर राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द डेथ ऑफ अदर पार्टी व्हेन सक्सेशन ओपन्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वॉइड मैरिज में किसी भी पार्टी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उन दोनों में से किसी भी एक की डेथ हो जाती है तो जो भी प्रॉपर्टी के राइट होते हैं सक्सेशन के, वो दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो शादी ही नहीं थी, दैट इज़ अ वॉइड मैरिज. लेकिन इन केस ऑफ अवॉइडेबल मैरिज ईदर ऑफ द पार्टीज अक्वायर राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द डेथ ऑफ अदर पार्टी व्हेन सक्सेशन ओपन्स इफ़ द मैरिज इज नॉट एनुल्ड. मतलब हम अवॉइडेबल मैरिज में इस चीज़ को, राइट ऑफ इनहेरिटेंस को, किसी भी एक पर्सन की डेथ पर क्लेम कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज एंड द मीनिंग ऑफ वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. यू मे ऑल्सो फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय द नेम ऑफ लॉ कॉलिक्वी. वी आर ऑल्सो हैविंग अवर जर्नल, दैट इज Law Colloquy Journal of Legal Study. Similarly, we are also having our website, that is lawcolloquy.com. So that's all for today. See you soon. Take care. Bye-bye.